नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। कोरोना वार्ड में भर्ती गर्भवती महिला से स्वास्थ्य कर्मी ने किया दुष्कर्म, हुई मौत, सास ने लगाया आरोप। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उच्च स्तरीय जाँच कमेटी से जाँच कराने की मांग की है। कोरोना वायरस के दहशत के बीच बिहार के गया से एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। कोरोना वार्ड में भर्ती एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी पर रेप का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि परिवार वालों के मुताबिक महिला गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती थी। आरोप है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य कर्मी ने महिला से दुष्कर्म किया। गर्भवती महिला जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची तो दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। इस मामले पर डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने एक जांच कमेटी बनाई है, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम रोगी जब जाके बैठ गए तो हमारा बाहू जो है से बाहू हमारे बहुत रोने लगे। तो कहली ना कि का होलो बेटा, बोल का होलो। तो मम्मी से हमरा यहाँ से जल्दी से निकाला, जल्दी सुने तो हम मार जाऊ। कहली कि का बात है बेटा, कौची है बताओ। तो मम्मी डॉक्टर साहब से आते हैं ना, तो हाथ लगा के साफा करके मोरिया डाल के फिर वैसे करते करते छातिया पर हाथ फेरते हैं। इतना जो बोले ना डॉक्टर साहब से हमारा मन एकदम खून खौले लगा से कहने कि बेटा हम अभी नहीं जाएंगे, 5 मिनट रोकेंगे, जखनी डॉक्टर साहब यहाँ से जा आवेंगे ना तो खाने हम तोरे जब चूट के जाएंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे जो खेल नहीं आए। एक क्रिमिनल घटना का एक ये 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 उस पर एक घटना के बारे में ये बात है, और इसमें सर्वप्रथम जो परिवार था उसके द्वारा इसको रिपोर्ट नहीं किया गया था। जब बात मीडिया के माध्यम से आई तो उसको रिपोर्ट किया गया और उसमें एसएसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच में अधीक्षक सुपर मगध मेडिकल द्वारा भी एक जांच टीम बनाई गई थी, हमने भी अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगा है इसमें। और इसमें जो ये अनुसंधान का कार्य है इसको देखने का, लेकिन जब तक ये पूरा अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को ऐसे किसी भी चीज़ से बचना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर इसको सही पाया जाता है किसी भी तरह का, उसमें जो भी दोषी उस पर जरूर कार्रवाई होगी। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती महिला के साथ इस तरह की गंदी हरकत की शिकायत पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इसे काफी निंदनीय बताया है। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उच्च स्तरीय जांच कमेटी से जांच कराने की मांग की है। तो जांच का विषय डीएम साहब को देखना चाहिए, और हम समझते हैं, हमने भी मांग किया था कि उच्च स्तरीय जाँच इसकी होनी चाहिए, और अगर यहाँ की जांच हुई है, अगर किसी सच्चाई की बात नहीं होगी तो हम मांग करते हैं, और इसके लिए नहीं हुआ तो मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे अगर करेंगे कि आप एक स्टेट लेवल के कमेटी वहाँ भेजिए। हमें जो है मीडिया के माध्यम से हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके बाद जो जहाँ उसका परिवार जहाँ का रहने वाला है वहाँ पर स्थानीय थाना अध्यक्ष को भेज कर जो है जो मृतका थी उसकी माँ का बयान लिया गया है। माँ के बयान के आधार पर हम लोगों ने जो है एक प्राथमिकी अंकित की है मगध मेडिकल थाने में। जो बयान है उसमें प्रथम दृष्टया रेप के आरोप नहीं लगाए हैं, छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, और वो भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है, और कंपाउंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग ये असर्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक जो है वो इसका जो है अनुसंधान कर अपना परीक्षण कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, और इसमें जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अभी तक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है प्रथम दृष्टया इस बात की संभावना काफ़ी कम प्रतीत हो रही है इस तरह की कोई घटना घटी हुई, क्योंकि जो जहाँ की घटना बताई जा रही है लगातार जो है लोगों का आना जाना रहता है, और जो सीनियर डॉक्टर से उनकी भी प्रवृत्ति वहाँ रहती है लगातार। लेकिन जो भी बयान है मृतका की माँ का, उसका बयान हम लोगों ने दिया, और आगे जो साक्ष्य कलेक्ट किए जाने हैं वो सारे साक्ष्य हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और जो साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई